पिछले सप्ताह दिल्ली में दस्तक देने के साथ ही मानसून कमजोर पड़ गया, जिसके चलते उमस और गर्मी से दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों का उमस और गर्मी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक दिन पहले रविवार को न्यूनतम पारा 30 डिग्री के आसपास पहुंच गया तो अधिकतम पारा 40 डिग्री को भी पार कर गया। रविवार को दिन भर लोग गर्मी और उमस से परेशान रहे। इस दौरान कूलर और पंखे भी गर्मी उमस से राहत देने में नाकाम रहे। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी कुछ दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे और लोग गर्मी और उमस से परेशान होंगे। स्काईमेट वेदर के अनुसार जब मानसून की घोषणा हुई थी तो 10 से 50,000 फीट की ऊंचाई तक पूर्वी हवा चल रही थी, उमस बढ़ी हुई थी और सभी जगह बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन बाद में मानसून की अक्षीय रेखा उत्तर दिशा में शिफ्ट हो गई और नीचे पश्चिमी हवा चल रही है, इसी वजह से बारिश थमी हुई है।